फिनाले जल्द ही कंटेस्टेंट के बीच टक्कर की रेस। फिनाले के लिए हिमेश ने ली कंटेस्टेंट की क्लास। सनी को हिमेश ने दी बड़ी चेतावनी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बागीशार। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका पसंदीदा चैनल टैलेंटेड इंडिया। सीधे आपके साथ चलते हैं एक और खास अपडेट की ओर। क्या इंडियन आइडल के फिनाले में है बड़ा छूट? सभी को पता है इंडियन आइडल का फिनाले जल्द ही होने वाला है। 20 फरवरी तारीख बताई जा रही है, पर अभी हम भी कंफर्म नहीं बता सकते। लेकिन ये झोल वाला मामला हमने क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि हिमेश रेशमिया ने फिनाले के पहले सभी कंटेस्टेंट की फिनाले से पहले क्लास ली है। सनी को बताया कि वो कैसे जीत सकता है, तो किसी की हिमेश ने ज्यादा ही तारीफ कर दी। अब ये क्लास लेना क्या हिमेश का सपोर्ट है, या फिर ये पता चल गया हिमेश को कि कौन इंडियन आइडल का विनर बनने वाला है? ये शो रियल है या फिर ड्रामेटिक? क्या है पूरा मामला और किस तरह से हिमेश ने कंटेस्टेंट की क्लास ली, और आखिर क्या बताना चाह रहे हिमेश उनकी क्लास से? बता दें, सभी कंटेस्टेंट ग्रैंड फिनाले की तैयारी कर रहे हैं और सभी इंडियन आइडल की ट्रॉफी जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अब इसी को लेकर हिमेश रेशमिया ने सभी का एक सेशन रखा है, और जब सेशन में हिमेश रेशमिया आए तो उन्होंने बोला कि आज हमारी कमाल की ब्रीफिंग होने वाली है, और वो ब्रीफिंग ये है कि फिनाले के लिए आप लोग इतने तैयार हो कि सभी जगह आप लोगों की चर्चा हो रही है। आप लोगों को बहुत तैयारी करनी है, दिल से भी गाना है, लोगों को ये भी बताना है कि आपकी आवाज में दम है और कुछ गलती भी नहीं करनी है, और इसकी आपकी पूरी तैयारी है। लेकिन इतना भी स्ट्रेस लेकर नहीं गाना है कि आप फिनाले में गा ही नहीं पाओ। इतना ज्यादा अपनी आवाज को स्ट्रेन मत करना कि फिनाले के दिन स्ट्रेन हो जाओ। सभी कंटेस्टेंट के बारे में हिमेश ने बताया। रोहित की तारीफ करते हुए हिमेश ने कहा कि रोहित तुम एक रॉक स्टार हो। ये क्या बताने चाह रहे हिमेश? तुम्हें परफॉर्म भी रॉक स्टार की तरह करना है, यानी कि जनता की ये डिमांड आ चुकी है कि रोहित को रॉक स्टार की तरह परफॉर्म करना है। तुम मपा तुला गाते हो। मैं इद्रीस को कहा कि मैंने कभी तुमको आउट ऑफ सिंगिंग गाते हुए नहीं देखा, हमेशा मपा तुला होता है, तो ऐसे ही रहो, उससे ही करो। मैं सनी को हिमेश ने कहा कि सनी तुम बहुत अच्छा गाते हो, तुम जिस जोनर में गाते हो वही गाओ, दूसरा कुछ मत गाओ, उसी में लोगों को मजा आता है, लोग तुम्हें नुसरत साहब की आवाज में ही सुनना चाहते हैं। सनी तुम उसी जोन में फिनाले में गाना, वही तुम्हें फिनाले तक ले जाएगा, और जिस जोन की वजह से तुम आज सनी हो वही जोन तुम्हें फिनाले में अपनाना है। वही अनकोना हो कहा कि तुम बहुत ही परफेक्ट हो, मतलब कोई मिस्टेक नहीं है। हो सकता है परफेक्शन तुम किसी भी गाने में मिस नहीं करती हो, मतलब यानी कि तुम किसी भी गाने में परफेक्शन को मिस नहीं करती हो, तो वही परफेक्शन फिनाले में रखना। वही रिदम शहबाज ऋषभ को भी उन्होंने बहुत सी एडवाइस दी, और इन सभी में सनी को सबसे ज्यादा एडवाइस दे गए हिमेश, और यही गलती कर गए कि सोशल मीडिया पर अब ये चर्चा हो रही है कि हिमेश ने आखिर सनी को इतनी सलाह क्यों दी, क्यों सनी पर इतना जोर लगाया कि सनी जिस जोन में तुम गाते हो वही जोन को तुम्हें फिनाले तक लेकर जाना है, वही जोन को तुम्हें अपनाना है। नुसरत साहिब ही तुम्हारा जोन है, अगर तुम अलग जोन में जाते हो तो कहीं ना कहीं डामाडोल हो जाता है, तो तुम्हें फिनाले में नुसरत साहब का जोन ही अपनाना है, उन्हीं के गाने गाना है, तो वही कहीं ना कहीं तुम फिनाले में उससे हाईलाइट हो सकते हो। लोग तुम्हें नुसरत साहब के गाने में ही पसंद करते हैं, और जो जोन की वजह से आज तुम हो वो है नुसरत साहब के गाने। तो हिमेश की क्लास लेना क्या फिनाले की एक वो बता रहा है, अपडेट बता रहा है कि फिनाले में ये कंटेस्टेंट जाने वाले हैं, जिन जिनको हाईलाइट किया है उसमें रोहित है, अद्रीज है, सनी हिंदुस्तानी है, तो बाकी जो कंटेस्टेंट हैं उन्हें किस तरह से सजेस्ट किया है हिमेश रेशमिया ने, वीडियो हमारे सामने नहीं आई है, लेकिन सनी पर हिमेश रेशमिया ने ज़्यादा जोर दिया है कि सनी ही जीते। क्या पता आखिरी राउंड में क्या हो, वोटिंग के आधार पर भी इंडियन आइडल में विनर अनाउंस किया जाता है, तो क्या बाजी पलटती है फिनाले में, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। जिस तरह बिग बॉस को लेकर भी अभी बस बना हुआ है कि कौन जीतेगा आज बिग बॉस में, वैसे ही इंडियन आइडल को लेकर भी बस बना हुआ है। माना कि सनी बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन आखिरी मोमेंट पर क्या हो ये कहना बहुत ही गलत होगा। अभी हम आपको हर अपडेट देंगे टाइम पर, आप लोग देखते रहिए टैलेंटेड इंडिया न्यूज। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।